एक शिक्षिका को अपने विद्यालय के प्रिंसिपल से ही आंखें चार हो गई और मामला शादी तक पहुंच गया, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। हालांकि उसकी विदाई थाने से हुई। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे शहर में है। एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को उसी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका से प्रेम हो गया। दोनों शादी कर जिंदगी भर साथ रहने के लिए राजी हो गए, लेकिन मामला तब फंस गया जब लड़की के परिवार वाले इस शादी से इनकार कर दिए। लेकिन दोनों को एक होना था, इसलिए दोनों ने किसी की परवाह किए बिना मंदिर में जाकर अपनी मर्जी से राजी खुशी से शादी कर ली और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए। मैम, कैसे कहां पर मुलाकात हुई थी आप लोगों की? स्कूल। स्कूल में मुलाकात। और कैसे फैसला कर लिया कब इनके साथ जीवन बिताना है? क्योंकि अच्छे लगे, बस इसलिए। हाँ, घर तक बात पहुँची, बस हो नहीं पाया वैसा कुछ इसे। तो आपके घर वाले और इनके लड़के के घर वाले खुश हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स को दिक्कत था, फिर बात वो लोग मान भी गए, मगर फिर लास्ट मोमेंट पे एंगेजमेंट तोड़ दिया गया, इसीलिए हम लोग ने ये स्टेप लिया। कैसी मुलाकात हुई? हम लोग 5 साल पहले मिले थे। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? स्कूल में, न्यू एकेडमी स्कूल में। कैसे शादी तक अंजाम पहुँचाएंगे? बस हम लोगों को इधर, हम लोग लगभग 25-30 दिन पहले अपने पेरेंट्स को है ना बताएं, तो मेरे पेरेंट्स सारे रेडी थे और इनके लड़की पक्ष के रेडी नहीं थे, तो इनके साथ घर में है ना मारपीट किया गया और बहुत बुरा बर्ताव किया गया, जिसके कारण आज हमको ये कदम उठाना पड़ा। कहाँ शादी की? बुरहानस मंदिर में। परिवार वाले विरोध जताते रहे, मगर दोनों के प्रेम के सामने उनकी एक न चली। इस अनोखी शादी की घटना इसाकचक थाने की है। प्रिंसिपल दूल्हा सरोज वर्मा ईश्वर नगर में एक स्कूल चलाता है, जबकि दुल्हन शुभांगी प्रियदर्शनी मूल रूप से गुड्डा की रहने वाली है और उसी स्कूल में शिक्षिका है। दोनों के बीच 5 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, अंततः दोनों एक दूसरे के हो ही गए। इसाकचक थाने में दोनों पक्ष के परिजन भी पहुँचे थे। लड़की वाले इस शादी का विरोध कर रहे थे, लेकिन दूल्हा दुल्हन की सहमति होने के बाद इसाकचक थानेदार ने दोनों की शादी करने से रोकने का प्रयास विफल करते हुए शादी की कागजी कार्रवाई पूरी की, जिसके बाद दोनों दुल्हा दुल्हन खुशी खुशी अपने घर गए। वहीं इसाकचक थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दोनों प्रेमी जोड़े बालिग हैं और दोनों शादी करने की राजी जताई, मगर लड़की के परिवार वालों की तरफ से कुछ विरोध किया जा रहा था, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई करते हुए दोनों की शादी रचाई गई और दोनों जोड़ी की मंदिर में शादी कराकर थाने से विदाई करा दी गई। लड़की के माँ बाप आए थे कि उनकी बच्ची का को जबरन जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब के द्वारा मतलब जबरन शादी कर ली गई है, जबरन उसके उसे अब ले जाया गया है। इस मामले की सत्यता की जांच कराई गई। दोनों बालिग थे, दोनों शादी कर चुके थे, दोनों को थाने पर लाया गया। उसके बाद दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों लड़का लड़की चूंकि बालिग थे, इसलिए उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर एक पीआर बाउंड किए। लोग हमेशा शादी के सूत्र में बंधे रहेंगे तथा इन्हें 3 महीना का समय दिया गया कि ये रजिस्ट्रेशन करवा लें और इन्हें फिर चूंकि बालिग थे तथा उन दोनों की मर्जी से उन लोगों को जाने दिया गया और वे लोग सुखमय जीवन बिताएं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। लड़की के परिवार वाले क्या अब राजी हैं, शादी से खुश हैं? ये मुझे पूरी पता नहीं। हम लोग तैयार हैं, लड़की लड़का पक्ष पूरी तरह तैयार है। थाने में थाना आए थे तो कितना कॉपरेट मिला? बहुत सर ने बहुत कॉपरेट किया, अच्छा लगा। आगे का सफर अब किस तरह से हो? बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे कटेगा जिंदगी? बहुत बढ़िया से कटेगा। लड़की पक्ष वाले खुश नहीं है? वो भी खुश हो जाएंगे, कुछ समय लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास है ऐसा। तो अब आगे का सफर कैसा रहेगा आप लोगों को? अच्छा रहेगा। इतना खुश है? बहुत। मैं सुबोध कुमार शासक प्रगति की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी।
जय माता। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, अन्य डेवलपर्स जीरो माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहर वासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स। सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। विगत 20 सालों से आपकी सेवा में, तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 9470761103।